आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली। इस सदस्यता अभियान के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अब्बास गाजी एवं जिला अध्यक्ष दानिश सिद्दीकी थे। इस सदस्यता अभियान के आयोजक फरमान सिद्दीकी थे, जिनके साथ रेहान प्रधान, इमरान गाजी, जुबेर अहमद, ऋषि, कमलेश भारती, कमलेश गौतम, हबीब दाऊद गाजी, आदिल प्रधान, आमिर राशिद, सुनील और समीर मलिक आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। प्रदेश अध्यक्ष अब्बास गाजी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी सबकी है और खासकर युवाओं को हमेशा सम्मान देती है और आगे भी देती रहेगी। हम युवाओं में ही देश का भविष्य है और जब हम पढ़े लिखे युवा देश के शासक होंगे तो निश्चित ही हमारे समाज के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का सम्मान विकास होगा और देश भी तरक्की की राह पर आगे चल पड़ेगा। आइए देश के लिए, समाज के लिए और देश में फैली नफरत की राजनीति से ऊपर प्यार मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति, इंसाफ और खुशहाली की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी का साथ दें। आप हमें मजबूत करें और आपको हम मजबूत करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आरिफ शाह अलवी की रिपोर्ट। आज ईमानदारी से बताओ कि भीम आर्मी का काम क्या है? आज नौजवानों को भीम आर्मी ने मान सम्मान के साथ जीना सिखाया कि नहीं सिखाया? ईमानदारी से बताओ, मान स्वाभिमान के साथ आपको खड़े होना सिखाया कि नहीं सिखाया? आज नीले में गमछा डाल के जब आप चलती हो तो कितना मान स्वाभिमान की निशानी दिखाई देती है, लोग आपको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और यही नीला गमछा डाल के जब आप निकलते हो तो अच्छे अच्छे लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि अपने आपने अपने आप को स्थापित किया है। मेहनत करके, संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, आपने सरकार से लड़ाई लड़ी है, आपने प्रशासन से लड़ाई लड़ी है, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपने किसी भी स्तर पर जाना हो आप गए हो। इसलिए क्योंकि हमने हमेशा से ये सिखाया है कि देखो पहले अपना समाज, हर व्यक्ति अपने लिए तो बहुत आसानी से जी लेता, समाज के लिए अगर हम आप नहीं खड़े होंगे तो समाज, समाज का क्या होगा बताओ? आज भीम आर्मी ने आपको मान सम्मान दिया कि इतना तो महसूस होता है कि भीम आर्मी का नौजवान साथी नीला गमछा पहन के किसी भी थाने में चला जाए और कह दे कि मैं भीम आर्मी से हूँ तो थानेदार की भी हवा खराब हो जाती है, थानेदार की भी साथी ऊपर नीचे होने लगती है कि भैया इनसे मत उलझो, इनसे मत उलझो। इसलिए क्योंकि अगर इनको हमने खेला तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं बताओ? आज भीम आर्मी के नाम से आपको बताओ, आज भीम आर्मी के नाम से आप फोन कर दो किसी को भी तो आपकी तुरंत काम सुनता है, तुरंत आपकी बात सुनता है। इसलिए क्योंकि ये जानता है कि ये नौजवान साथी संगठित हो गए, इन्होंने संगठन बना के अपने आप को स्थापित कर लिया, ये ताकत में आ गए। कोई बात होगी तो ये हजारों की संख्या में ये प्रदर्शन करने के लिए रोड पे आ जाएंगे। ऐसा करो कि इनके लोगों को न्याय दो, नहीं तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो ताकत स्थापित की है, ये कैसे स्थापित हुई? ये हर साथी, हर नौजवान, हर क्षेत्र से जो लोग तैयार हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है, सब तैयार हुआ है। इसके पीछे बहुत लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत लोगों का त्याग है। ये संगठन ये ऐसे ही नहीं इतना बड़ा हो गया कि देश से ज्यादा विदेशों में संगठन की चर्चा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।